सबका अपना पसंदीदा खाना होता है और हम में से ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है न्यूटेला। क्लोई का तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। अरे किसी का मैसेज आया है? सोफी, बड़े दिनों बाद याद आई दोस्तों की। चलो चलती हूँ। एक मिनट, उसे एहसास तो दिलाऊं कि कितना वक्त बीत गया है। चलो आज उसकी टांग खींची जाए, वो भी एक खास अंदाज में। देखिए कैसे हमने पहले टॉवल को तीन हिस्सों में फोल्ड किया है और फिर अंदर न्यूटेला जार रख दिया है। इसे एक सेफ्टी पिन से फिक्स कर दीजिए। अब छोटे टॉवल को बड़े टॉवल में रखिए और किसी नवजात बच्चे की तरह उसे लपेट लीजिए। चॉकलेट से भी तो हम उतना ही प्यार करते हैं ना? ओह, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा बेबी किसे नहीं चाहिए होगा। हाँ, ये कब हुआ? कैसे हुआ? हमें मिले हुए कितने दिन हो गए हैं क्लोई? ओह मेरा प्यारा बेबी, एक हफ्ते पहले ही तो हुआ है। इसे गोदी में लोगी? मैंने इतने छोटे बच्चे को कभी गोद नहीं उठाया है। मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। अरे नहीं, सरप्राइज। ये स्वीट है पर बेबी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें न्यूटेला बहुत ज्यादा पसंद है, पर ये तो ज्यादा ही हो गया। मैं ब्रेड स्टिक्स लाई हूँ, चलो तुम्हारी बेबी में डिप करके खाएं, फिर तो और भी टेस्टी हो जाएंगे। कुछ लोग बस शो ऑफ करने का मौका ढूंढते रहते हैं। हमारी सोफी को ही ले लीजिए। तो हो जाए, फिर चाहे वो खाली बोतल को रिसाइकलिंग बिन में फेंकने जैसा सिंपल काम ही क्यों ना हो। ये देखो कमाल। क्या बात है, पर कभी कभी वो हद ही पार कर देते हैं। मेरा जवाब नहीं, मैं कमाल हूँ। उफ, लगता है तुम और सहन नहीं कर पा रहे हो। ब्रांडन, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे और उसे शो ऑफ करते देखते रहोगे? हे सोफी, मेरी बात सुनो, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? चलो ये करके दिखाओ। कोन को अपने पैंट में रखो और सर पर रखी पिंग पोंग बॉल को उसमें डालो, कुछ ऐसे। अरे लाओ, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। तो कौन जाएगा पैंट में और बॉल जाएगी इधर और पानी जाएगा तुम्हारी पैंट में। अरे नहीं, ये क्या कर दिया, मेरी फेवरेट पैंट खराब कर दी। मुझे चेंज करना पड़ेगा। गार्डनिंग हम में से कुछ को बहुत पसंद है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। साफ जाहिर है कि क्लोई को ये फूटी आंख नहीं पसंद। पानी का कैन कितना भारी है। कितनी डेलिकेट डार्लिंग हो तुम। लो ये पौधा पकड़ो, इसे वजन कहते हैं। ये तो मैं एक हाथ से उठा सकती हूँ, देखा। वाह, शो ऑफ करना तो कोई तुमसे सीखे सोफी। लाओ मुझे दो, शर्ट लगाती हूँ। तुम वो मिट्टी की बोरी नहीं उठा पाओगी। यार सोच समझ कर शर्ट लगाओ। ओके सुपर गर्ल, चलो अब उसे अपने सर के ऊपर उठाकर बताओ। ये लो, अब बताती हूँ शो ऑफ करने का क्या अंजाम होता है। बस चाकू से कर देती हूँ बोरी में छेद। सोफी, तुमने साबित कर ही दिया कि तुम कितनी जमीन से जुड़ी हुई हो। अरे दुखी मत हो, हम सबको एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। सही कहा ना भाई और बहनों। धूप सेकते वक्त त्वचा की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन खत्म होने तक कोई भी पके टमाटर की तरह नहीं दिखना चाहेगा। पर तब क्या होता है जब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपका सारा सनटैन लोशन खत्म कर देती है क्योंकि वो अपनी बोतल लाना भूल गई थी। उफ, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। उफ, मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। जरा देखो तो, शर्म तो छूकर नहीं गई है इसे। अरे मेरी आइस टी भी खत्म हो गई है सोफी, प्लीज मेरे लिए आइस टी ले आओ ना। अरे हाँ प्लीज, ऑर्गेनिक लाना, मैं और कुछ हाथ नहीं लगाती। हाँ अभी लाती हूँ। पानी के बाउल में जेलेटिन पिघला लीजिए और उसका पसंदीदा सिरप मिलाइए। फिर एक फनल की मदद से इसे अपने दोस्त की बोतल में भर दीजिए और थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए ताकि जेलेटिन सेट हो जाए। ठंडा करने के लिए आप उसे फ्रिज में भी रख सकती हैं। ये लो। सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर सो लूं। वाह चलो हो जाए ताश की परी ड्रिंक। अरे नहीं क्या। Ha 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 ha!
ओह मजाक अच्छा है सोफी, बहुत अच्छा। तुम तो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। घर में कोई एक तो ऐसा होता है जो अपना सामान कभी सही जगह पर नहीं रखता। हाँ सही पहचाना। उफ, सोफे पर जूता कौन छोड़ जाता है। पर काबूम हाउस में हम ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे बहुत आसान है, वो चीज लीजिए जो उस इंसान के लिए बहुत जरूरी हो, उसे एक बलून में डालिए और बस उसे ऐसे कमरे में फेंक दीजिए जो शानदार सरप्राइजेस से भरा हुआ हो। अब हमें करना है थोड़ा इंतजार। सुनो, तुमने मेरा शू कहीं देखा है? शायद मैंने यही कहीं रखा था। ओहो, वो रहा। उफ, लगता है मैं अंधी हो गई हूँ। अब मेरी कार की चाबियाँ कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। उस रूम में चेक करो। बिल्कुल, थैंक्स। अब शुरू होगा कंफ्यूजन। वो कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। लो तो दे दिए 99 गुलाबी गुब्बारे। तो कैसा लगा सरप्राइज सोफी? अब तो तुम सीख गई होगी कि घर में अपनी चीजों को जमा कर रखना चाहिए। चलो अब तलाश शुरू करो। तुम्हारी चाबी इनमें से ही किसी एक में है। सब मेरे कर्मों की ही सजा है। 37, 38, 39। अब तो मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा। आखिरी वाले में ही होगी। क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब आप बाहर जाते हैं तो एक दोस्त ऐसी होती है जो हमेशा लेट होती है और फिर भी हमेशा वक्त पर आने का वादा करती है, जैसे हमारी प्यारी क्लोई। वो आने वाली है कि नहीं? मुझे तो यकीन नहीं होता, इस महीने लगातार चौथी बार देर से आ रही है। शायद वो जानबूझकर ऐसा करती है। हे मिया, क्यों ना मिस लेट लतीफ को कोई बढ़िया सबक सिखाया जाए। एकदम A1 प्लान है। तो हो जाए। हमें जरूरत है बस एक पानी भरी ट्रे की। ओके, अब ट्रे को उसकी सीट पर रख दिया और धीरे से उसे टॉवल से ढक दिया। ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी लेट लतीफ के लिए गद्दीदार कुर्सी का इंतजाम करके रखा है। अब आएगा मजा। तुम आ गई? है। हाँ यार, वो बेटा का कॉल आ गया था। अरे ये क्या, मेरी जीन्स? ये सब तुम्हारा प्लान था ना? तुम ऐसे कैसा कर सकती हो? जरा सोचा तो होता। पर तुमने भी लेट आने से पहले कहाँ सोचा था क्लोई? सही कह रहे हैं ना कबूमर्स? कैसे हो कबूमर्स? क्या आप इनमें से कुछ प्रैंक्स अपने दोस्तों पर ट्राई करना चाहेंगे? या शायद आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसे सबक सिखाने की सख्त जरूरत है? नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा जरूर। हमें आपकी बातें पढ़ने में बहुत मजा आता है। कबूम को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बढ़ती कम्युनिटी के मेंबर बनिए।